कोई बात नहीं यार, हार गया पाकिस्तान। मैंने वीडियो रात को नहीं डाली थी, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि भाई गुस्सा आ गया था, मोबाइल जमीन पे दे, हमारा मोबाइल टूट गया। अभी 80,000 का नया मोबाइल लेके आया हूँ। खैर जो भी हो, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के लिए इतना तो चलता है, दिल टूटते रहते हैं। और वो पाकिस्तान टीम ही क्या जो कि हर वक्त आपको दिल जिताती रहे और दिल तुड़वाए ना। ओवरऑल पाकिस्तान इस मैच को हार चुका है, कोई मसला नहीं, इसके ऊपर एनालाइज करते हैं। और उन चूतियों की, उन खबीज के बच्चों की बकचोदियां करते हैं जो कि यहाँ पर पाकिस्तान को बैठ कर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के हीरो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। उन के भी जरा गांठ फाड़ने वाले हम लोग। मगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां पर देखने को मिलती रहे। अब यहां पर हुआ ये कि भाई पाकिस्तान श्रीलंका का मैच 42 ओवर का हुआ, बहुत बढ़िया था। बाबर आजम एक बार फिर से अनफॉर्चुनेटली अच्छे रन नहीं बना सके, हालांकि उनके कुछ शॉट्स बहुत ही जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन उन खबीसों को जो है अपनी जबान खोलने का मौका दे दिया जो कि बाबर आजम के नफरत करने वाले लोग हैं, हमारे अपने पाकिस्तान में बैठे वो गद्दार लोग, वो खबीस लोग जो कि क्रिकेट फैन नहीं है, जो कि मनी फैन है, क्योंकि उनको बाबर का क्रिटिसिज्म करके जो इंडिया से प्यार मोहब्बत और चुम्मा चाटी मिलती है, मेरे ख्याल से अगर इंडिया वाले बोले कि हम आपकी गांड मारना चाहते हैं तो ये गांड भी दे देंगे। अब यहाँ पर बाबर के 25 रन पे आउट होने के बाद या 25 कुछ इस तरह से रन बनाए थे, उसके बाद पाकिस्तान टीम लड़खड़ाई जरूर थी, कोई 128 के ऊपर 4-5 विकेटें गिर गई थी, लेकिन फिर पार्टनरशिप लगी हमारे चाचा इफ्तखार और मोहम्मद रिजवान की। क्या लेवल की मतलब पार्टनरशिप थी, रिजवान जिसको इससे पहले कहा जा रहा था कि भाई बाहर ही बिठा दो, उसको खिला क्यों रहे हो, लेकिन नहीं, रिजवान ने बोला कि अपन परफॉर्म करेगा, तुम्हारा माँ का साकिना का सबका बदला लेगा तुम्हारे ये रिजवान, और उसी ने वाकई में बदला लिया है। रिजवान ने अपनी इनिंग से ये प्रूव किया कि भाई वाकई में अगर उनके ऊपर भरोसा किया जाए तो वो किस किस्म के बैट्समैन बन सकते हैं। बिल्कुल सेंसिबल दिमाग के साथ उन्होंने बैटिंग की, और फिर इफ्तिखार अहमद जो है उन्होंने भी मतलब लाजवाब किस्म की बैटिंग की, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी इस टोटल को मिलाकर कोई 252 रन जो है 250 पाकिस्तान ने बना लिए थे, लेकिन जो 250 पाकिस्तान ने बनाए थे वो पाकिस्तान के लिए बहुत ईजी थे डिफेंड करना, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग आपको पता है कि वर्ल्ड नंबर वन बॉलिंग ये वो वगैरह वगैरह, मगर फैक्ट आपको जान लेना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग भले ही वर्ल्ड नंबर वन है, लेकिन ना नसीम थे ना यहाँ पर हारिस रऊफ से पाकिस्तान की ऑलमोस्ट आधी से कम बॉलिंग थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छा खासा तगड़ा गिरेबान से पकड़ा हुआ था, और मतलब क्या जबरदस्त किस्म से मैं बोलूंगा बॉलिंग कराई जमान खान ने, जो कि नए इंक्लूजन थे। अब यहाँ पर जमान खान की बॉलिंग को मैं रेट करूंगा बहुत हाई यार, उस बंदे ने मतलब उसका दिल एक बार नहीं बहुत बार टूटा है, हालांकि कभी कभी डेथ ओवर में वो अच्छा कर जाता है, कभी कभी नहीं भी कर सकता, मगर स्टिल आज भी उससे नहीं हुआ। मगर जो लास्ट बॉल थी वो गलती बाबर आजम की थी या कप्तान की थी या फील्डर्स की थी, जो भी थी, बाबर कह रहा था मेरी भी गलती नहीं है कि वहां पर फील्डर ही मौजूद नहीं था। भाई बंदे सामने वाली टीम को सिर्फ 2 रन चाहिए, आप कम से कम फील्डर तो खड़ा कर लो वहां पर, दायरे के अंदर खड़े कर लो, अगर चौका हो गए तो वैसे ही जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको तो यहां पर 2 रन रोकने की तरीके से, आप 1 रन रोकने के मूड में ही नहीं थे, और यही चीज पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान दे गई है कि भाई पाकिस्तान की जो है इस मैच को आसानी से टाई कर सकता था या फिर जीत भी सकता था, सुपर ओवर भी हो सकता था, बट स्टिल पाकिस्तान हार गया इस मैच को। पता है मुझे बहुत सारे इंडिया के दोस्त मेरे जो हैं वो बहुत शौकियाँ करेंगे, मुझे कल से बहुत ज़्यादा टैग भी कर रहे हैं, हालांकि मोबाइल नहीं था, मैं लैपटॉप पे देख रहा था, लैपटॉप पे शूटिंग तो नहीं कर सकता हूँ ना, समझो बात को, लेकिन जो भी हो यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे हेटर्स हैं, लेकिन उन सारे हेटर्स को कहूँगा तुम्हारी माँ का भोसड़ा, क्योंकि जो तुम खबीज के बच्चों पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तुमको ये नहीं पता कि ये वो पाकिस्तान की टीम है जिसने पिछले 3 महीने में कोई मैच नहीं हारा था, और अब इंडिया से हार गए, श्रीलंका से हार गए, तो तुम लोग जो है अपने गांड का सारा गुस्सा तुम लोग को घर में, तुम लोग की बीवियाँ हाथ नहीं लगाने देती हैं, माएँ तुम लोग को लानत देती हैं, बाप तुम लोग को घर से आग करने के तुला हुआ है, और तुम लोग यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान टीम को क्रिटिसिज्म करते हो। लानत है ऐसे चूतियों के ऊपर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में इस किस्म की घटिया गलीज बच्चोदियाँ कर रहे हैं और बकवास कर रहे हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान टीम नंबर वन थी, नंबर वन है, नंबर वन रहेगी। वी आर विद यू बाबर आजम, वी आर विद यू जमान खान, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में ये सारे बदले पूरे होंगे, श्रीलंका को भी हराएंगे, इंडिया को भी पता नहीं हराएंगे नहीं हराएंगे, मगर स्टिल वी विल ट्राई। अब जो भी हो अभी मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान की टीम को अब रोकना और ज़्यादा मुश्किल हो, जब पाकिस्तान को आप राइट ऑफ कर देते हैं ना कि दे आर डाउन एंड आउट, तभी पाकिस्तान की टीम उठकर परफॉर्म करती है और हमेशा जो है अपने अपॉइंटेंट्स को गलत साबित करती है। और यकीन मानो, लिख के रख लो, पाकिस्तान की ये वाली टीम जो कि हारी हुई टीम है, जो कि राइट एंड ऑफ है, आपको याद होगा ना जब भी पाकिस्तान की टीम को हटाया जाता क्या करती है वो, जो कि राइट एंड ऑफ है, वही पाकिस्तान की टीम जो है उठकर आएगी वर्ल्ड कप में, वो आकर यहां से सारी टीमों को पकड़ेगी और अपने बदले पूरे लेगी। और फिर मैं पूछूंगा इन खबीस के बच्चों से, इन चूतियों से, इन बगैरतों से कि भैया जो तुम लोग बैठ कर पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हो, अब बोलना मादर भरा क्या मादर के बाद जो भी है, पूरी गाली दे नहीं सकता हूँ, लोग फैमिली भी देखती है, मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई गालियां मत दिया करो, फैमिली भी देती है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान टीम से तो हमें प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा, लेकिन इन जैसे चूतिए जो कि बैठे हुए हैं इस मकाम के ऊपर, उनसे गुजारिश है कि भाई माँ चुदाओ अपनी और
अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अपना जो भी बोरिया बिस्तरा वो बांधो और निकलो यहाँ से। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।